जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में पूरे झारखंड में टॉप करने वाले यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड करने वाले छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार की ओर से लाखों रुपये इनाम देकर के पुरस्कृत किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपये। और यह अपडेट अभी अभी झारखंड के सबसे बड़े टीवी न्यूज चैनल न्यूज 11 में भी प्रकाशित हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो टॉपर्स के घर घर में जाकर के बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और लाखों रुपये इनाम दे करके पुरस्कृत कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे झारखंड में मैट्रिक का जो टॉपर है यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के जो टॉपर्स हैं पहला दूसरा तीसरा स्थान वाले, तो उन सभी छात्रों को कितना कितना लाख रुपये दे करके पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं आज इस वीडियो में आप सभी छात्रों को पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन चलिए हम लोग सबसे पहले इस टीवी न्यूज चैनल के इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। इसके बाद फिर से मैं आप सभी छात्रों से मिलूंगा और बताऊंगा कि सेकंड और थर्ड करने वाले छात्र छात्राओं को कितना कितना लाख रुपए पुरस्कार में दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस अपडेट को देख लेते हैं, इसके बाद फिर से मैं आप सभी छात्रों से मिलूंगा। जैक की इंटर परीक्षा के टॉपर्स का सम्मान हुआ है। जी हाँ, चंद्रपुरा में इंटर कॉमर्स टॉपर का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सम्मानित किया। तो वहीं हजारीबाग में इंटर आर्ट्स टॉपर का को भी सम्मानित किया गया है। टॉपर्स के सम्मान में शिक्षा मंत्री ने जो है वो बताना चाहेंगे आपको कि जो कॉमर्स के टॉपर है उन्हें 3.50 यानी 3.5 लाख रुपए दिए गए हैं। और इंटर कॉमर्स टॉपर आर्ट्स टॉपर्स को हजारीबाग में भी सम्मानित किया गया। मानसी साहा है आर्ट्स टॉपर। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंटर में कॉमर्स स्ट्रीम के स्टेट टॉपर निकी के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने परिवार के सदस्य और शिक्षकों की सराहना की। बाद में छात्रा को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही प्रोत्साहन राशि के तौर पर निकी कुमारी को सरकार की तरफ से 3 लाख और अपने निजी मद से 50,000 रुपए भी दिए। इच्छा शक्ति उसके गार्जियन को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए हर प्रोत्साहन राशि का घोषणा की है सरकार की ओर से 3 लाख अनुदान से 50,000 रुपया मैं अपने उस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा करता हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम में हजारीबाग के दारूखरी का निवासी मानसी साहा स्टेट टॉपर बनी है। मानसी 94.8% अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। वहीं मानसी ने सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, माता और पिता को दिया। इसके अलावा सभी छात्रों से अपील भी की कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। 12वीं की कक्षा है वो किसान मजदूर इंटर कॉलेज से हजारीबाग से पास किया है और मेरा परसेंटेज 10वीं का 87.20% रहा और 12वीं का 94.8% रहा। आगे मुझे जेपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और जेपीएससी को क्रैक करना है और वीडियो बनना है। ये अच्छी तस्वीर है, इससे टॉपर्स का हौसला बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसी जगह पर पहुंचना चाहेंगी। शिक्षा को बढ़ाना है तो उन छात्रों का हौसला बढ़ाना ही होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस टीवी न्यूज चैनल में देखा कि जो झारखंड के इंटरमीडिएट आर्ट्स के टॉपर हैं मानसी साहा और कॉमर्स के टॉपर हैं निकी कुमारी, तो उनको झारखंड सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वहीं पर 50,000 रुपये झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से दिए जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 3.5-3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं पर जो सेकेंड करने वाले यानी कि मैट्रिक में सेकेंड, इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस में सेकेंड, तो इन
सभी छात्रों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और वहीं पर तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों यह जो अपडेट है आपसे झारखंड बोर्ड के वर्तमान में क्लास 9 और 11 में पढ़ने वाले छात्रों के हौसले को बढ़ाने वाला है, क्योंकि 2023 होगा वो आपका होगा। अगर आप उसमें टॉप करते हैं यानी कि पूरे झारखंड में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड करते हैं तो आप सभी छात्रों को भी इसी तरह से पुरस्कार मिलेंगे और आपको नेम फेम एंड मनी ये तीनों मिल जाएगा एक साथ, यानी कि आपका नाम भी होगा, प्रसिद्धि भी होगा और पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अभी से ही ठान लीजिए कि अगला जो साल होगा वो मेरा होगा और मुझे फर्स्ट डिवीजन करके पूरे झारखंड में पहला स्थान हासिल करके और 3 लाख रुपए पुरस्कार लेना है। तो आप लोग अभी से ठान लीजिए और बस लग जाइए, दिन रात पूरा मेहनत कीजिए और इस पुरस्कार को हासिल कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपसे झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए आज का ये बहुत ही धमाकेदार अपडेट था। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, वीवीआई प्रश्नों का उत्तर होता है या फिर मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन होता है, तो इसी तरह से मैं आपसे छात्रों के लिए डेली जो भेजते रहता हूँ। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब पढ़िए, खूब लिखिए और हमारे झारखंड के नाम को रोशन कीजिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड।